लखीमपुर कांड पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा हो, आशीष मिश्रा के साथ ही अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं किसान मोर्चा ने कहा कि अगर 11 अक्टूबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 अक्टूबर से पूरे देश में अस्थि कलश यात्रा निकालेंगे, साथ ही देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 15 अक्टूबर को पुतला दहन जबकि 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे से होगा। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। इसके साथ भी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है 120B उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और मृतक किसान नक्षत्र सिंह के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पीड़ित परिवार को सिद्धू ने दिया आश्वासन। लखीमपुर कांड में नक्षत्र सिंह की जान गई थी, लखीमपुर से अब बहराइच के लिए निकल गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जो लखीमपुर में हैं और लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों से, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जरूर मौन व्रत की शुरुआत सिद्धू की तरफ से की गई थी, जिसे आज खत्म कर दिया गया। और आज वो मृतक नक्षत्र सिंह के परिवार से मिले, उनसे मुलाकात की, सांत्वना दी और ये भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है न्याय की इस लड़ाई में। और अब वो बहराइच के लिए निकल गए हैं, जहां बाकी मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो आपको बता दें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में मौजूद रहे, जहां पूरा सियासी जो ड्रामा है वो देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए सिद्धू ने लखीमपुर में मौन धरना खत्म करने के बाद कहा था कि सत्यमेव जयते। सिद्धू ने खत्म किया अपना धरना और कहा कि किसानों की लड़ाई यूं ही जारी है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो न्याय से बड़ा नहीं है, यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है। गोंडा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलती ट्रेन में बैठने के दौरान महिला का पैर फिसल गया। महिला प्लेटफॉर्म 2 के रेलवे ट्रैक के नीचे आ गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल महिला के कमर में गंभीर चोट आई थी। आरपीएफ पुलिस ने महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश आपकी जान पर किस तरीके से भारी पड़ सकती है, वो ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी।